चौथा दिन यानी बृहस्पतिवार है, लेकिन आज भी महंगाई की मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अगर आज की कीमत की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 101 रुपये 81 पैसे और डीजल की कीमत भी पहुँच गई है 93 रुपीज़ 7 पैसा, यानी पेट्रोल शतक लगा चुका है और अब डीजल किसी भी दिन शतक लगा सकता है। लगातार सीएनजी, पीएनजी, तेल, सब्जी सब कुछ धीरे धीरे महंगी होती जा रही है और महंगा होना लाजमी भी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। सर, पेट्रोल की कीमत आज फिर 80 पैसे देखिए बहुत बढ़ गया है। पेट्रोल का, डीजल, पेट्रोल वगैरह, इसमें देखिए फील्ड का काम करता हूँ मैं, अब इतनी कमाई नहीं है, अब पेट्रोल भरा हूँ सुबह से निकलता हूँ, शाम को हालत बुरी हो जाती है, अब बिल्कुल पैसे नहीं बच रहे और ना तो हमारी सैलरी बढ़ती है, क्या करें बताओ। तो पूरे दिन कितने लीटर पेट्रोल आपका यूज जाता है? 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल यूज हो जाता है, तो लगभग 250 रुपये तो इसी में, 250-300 रुपये इसी में चला जाता है, प्लस में गर्मी इतनी है, हालत खराब होती है मैम। और एक महिला भी है, मैम आप घर भी देखती हैं और स्कूटी चला रही हैं तो ये मार भी झेल रही हैं। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं बच्चों का भी छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट अभी बंद है। आप सोच लो कि हमारा बजट बिल्कुल ही हिल गया है क्योंकि बच्चों को स्कूल तो आना ही है, बच्चे सीनियर क्लास में, उनको एग्जाम देने के लिए पेट्रोल हर 2 दिन पे बढ़ रहे हैं। इससे हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि महंगाई एक तो कंट्रोल हो नहीं रहा, बढ़ती ही जा रहा है महंगाई। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि मतलब अब ये तो हमारा नेसेसरी चीज़ है, डेली रूटीन का चीज़ है, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। और जब आप किचन में एंटर करती होंगी तो वहाँ भी महंगाई से रूबरू होना? हाँ, वो अभी तो तेल वगैरह सारे इतने रेट बढ़ गया, हर चीज़, आप सोचो कि मतलब हमारे लिए हमारा बजट ही बिल्कुल एकदम हिल गया है। तो देखिए, ये एक आम गृहिणी महिला है जो पूरे दिन अपने घर को भी संभालती है और बाहर का काम भी देख रही है, यानी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी को पूरी तरीके से परेशान और बेबस कर रही हैं और सिर्फ आम आदमी के मन में अब यही सवाल है कि आखिर ये महंगाई कब रुकेगी। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।